आज की जो राइड है वो होने वाली है नरवा डैम तक। तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वो है मोदी पार्क, प्रीवियस नेम मोदी पार्क। तो वहाँ सारे मिलने वाले हैं, बट उससे पहले हम जाएंगे, सलमान को पिकअप करेंगे और तेजस मिलेगा और आशीष मिलेगा। आशीष थोड़ी और दूरी पे मिलने वाला है। इन सब से मिलने के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे जहाँ हिमांशु और बाकी समीर बाकी सारे लोग मिलेंगे हमें। और बढ़िया, सब बढ़िया। फोन नहीं ले रहा है किसका? तेजस भाई का फोन नहीं ले रहा है। आशीष हमारा वेट, भाई बारिश की हल्की छींटे पड़ रही हैं, बारिश के छींटे पड़ रहे हैं हल्के। आप आड़ी मान को पेट्रोल पंप सबको ही है? नहीं नहीं, मैं और सलमान। ओके अंकल, क्या नहीं, सब अलग अलग गाड़ी है। यहाँ फोटो सेशन ख़त्म हुआ। कुछ अंकल थे, उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दिखाई है टूवर्ड्स बाइकर्स, वो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे ही बस प्यार भी कैसे जाए, और ये हम चल पड़े। इसे छींटे पड़ रहे थे जो सलमान की गाड़ी से निकल रहे थे। गाड़ी रोकी क्योंकि हमारे दो राइडर्स पीछे रह गए थे, शायद वो दूसरी डायरेक्शन में चल गए थे, तो हम इनका वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में वो चले आए। तो भाई लोग, ये है सुंदर नगर चौक। जब फर्स्ट राइड थी मेरी, मैं इन सब से यहीं पे मिला था, इस जगह पे, जब हम पहाड़ भंगा थे। तो ये है हमारे जवान, ये है कैंप BSF का ट्रेनिंग की, और ये रहे हमारे जवान सुबह के सुबह मॉर्निंग वाइड राइड पे, मॉर्निंग वॉक पे। एक्चुअली राइट पे तो हम जा रहे हैं, मुझे यही रास्ता जाना था उड़ीसा के लिए, लेकिन सबने कहा कि नहीं, आप इस रास्ते से उड़ीसा की तरफ मन आ जाए, ज़्यादा सेफ होगा कि आप हाईवे की तरफ से जाएँ, क्योंकि ये बस्ती के अंदर से जाता है, काफ़ी गाँव मिलते हैं इस रास्ते पर। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लोग यहाँ पे। इस ब्रिज पे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, शब्बीर के साथ जब राइड करता था, इनसे मिलने से पहले, तो इस ब्रिज पे मैं पहले भी आ चुका हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, क्या खूबसूरत। बस उतरते वक्त ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यही है नरवा का पिकनिक स्पॉट, लोग यहीं पे आते हैं, गाड़ियां यहां पार्क कर देते हैं हमारी तरफ, फिर उस तरफ से जा करके जिसको जो लोकेशन पसंद है कुछ क्रॉस कर जाते हैं। अभी तो पानी ज़्यादा है गर्मियों के मौसम पे, कुछ क्रॉस कर जाते हैं, कुछ इधर उधर अपने सहूलियत के हिसाब से बैठ जाते हैं। आज तो ये हालत हो गई कि ब्रिज भी टूट गया हैवी रेन की वजह से, इसके लिए लोग भी कम आ रहे हैं, तो हमेशा लोग रहते हैं यहाँ पर, ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम पर। ये हमारा दोनों उड़ रहा है, एक्सट्रीम ह्यूमिड टेम्परेचर है, तो बस थोड़ा सा शूटिंग वूटिंग करके यहाँ से हम निकल चलेंगे। हाँ ये लो। चलो थैंक यू, ये बैच है हमारा। तो अभी अभी हमें हिमांशु भाई की तरफ से गिफ्ट मिला है, जो उन्होंने पर्सनल ऑर्डर किया था हम सबके लिए, वो है ये बैच आयरन हॉर्सेस जमशेदपुर। तो अगर कल को हम कोलकाता चल जाते हैं, बैंगलोर चल जाते हैं, भुवनेश्वर चले जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसे ज़िंदा रखे आयरन हॉर्सेस
सब ऐसे ही रहेगा, बस नीचे जमशेदपुर की जगह भुवनेश्वर हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, बैंगलोर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। जो जो जिधर जाएंगे अपनी अपनी एक ग्रुप बनाएंगे, जिनका जिनका जॉब जहाँ लगता है वहाँ जा करके इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फोटो सेशंस ख़त्म हो गए हैं, बस अब हम यहाँ से निकल चलते हैं घर की तरफ। हाँ, रास्ते पे जाते हैं तो कुछ खाएंगे क्योंकि भूख एक्सट्रीम लेवल पे लगी है और डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है बिकॉज काफ़ी गर्म है और ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। उनका फ़ोटो सेशन कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, ये ख़त्म हो जाए तो बस निकल पड़ेंगे। ओ भाई चले, your place on fire, let's get higher.